नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। चलो रुक करते खबरों की ओर खटाखट अंदाज में। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। आदिवासियों को घर घर राशन पहुंचाने का प्रस्ताव और बिजली की नई टैरिफ दरों में सब्सिडी देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। दशहरे के दिन दिल्ली एम्स में रामलीला का मंचन कर भगवान राम और सीता सहित अन्य पात्रों का मजाक उड़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदुवादी संगठन देश भर में एम्स के छात्रों की इस करतूत का विरोध कर रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली एम्स में रामायण के पात्रों का मजाक उड़ाने पर मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मीडिया को बयान देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आखिर हिंदू धर्म के खिलाफ ही ऐसे वाक्य क्यों आते हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया। एआईसीसी के प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर सचिन राव का स्वागत किया। मंत्री मोहम्मद अकबर और रविंद्र शोभी भी मौजूद रहे। भोपाल में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल भरवा रहे ग्राहकों को गुलाब का फूल देकर सहानुभूति जताई और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं, जहां वे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के डोंडा गांव में हाथी के हमले से प्रभावित लोगों से मिले और हाथी प्रभावित मंगला के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। सरगुजा में कांग्रेस में अंतर्कला दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अंबिकापुर के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों कांग्रेसियों की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जोबट किरण में सीएम शिवराज की हुंकार, कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार, कहा कांग्रेस ने बंद कर दी थी हमारी योजनाएं। उपचुनाव किरण में पूर्व सीएम कमलनाथ रैगांव में की जनसभा, भीड़ में गिरे पूर्व विधायक राम लखन पटेल। बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर बोले सीएम शिवराज, संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है सरकार, खराब हुए फसलों का सर्वे कराकर दी जाएगी राहत राशि। खरगोन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुछ बंद हो चुके टोल प्लाजा फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें बालाघाट और सिवनी मार्ग पर आने वाले 21 अक्टूबर से 2 स्थान गरगा और सिलुआ में टोल नाका शुरू हो रहा है, जिसका अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। उज्जैन जिले के तराना और महेतपुर अनुभाग में वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज का 92% लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए दोनों एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिन जिन ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन का लक्ष्य 100% नहीं हुआ है उनको पूरा करें। बेमित्रा जिला मुख्यालय से नवागढ़ मार्ग के ग्राम चारभाटा बाईपास निर्माण के दौरान गड्ढा खोदने को लेकर मार्ग को बंद कर दिया गया है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। दबंग ठेकेदार की मनमानी साफ साफ नजर आ रही है। बेमित्रा जिला मुख्यालय के सिग्नल चौक का सिग्नल 2 दिन से बंद है, जिसके चलते ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों दिशाओं से बड़ी छोटी गाड़ियों का एक साथ आवागमन कभी भी हो सकता है। बेमित्रा में 48 घंटे से जिला मुख्यालय का सिग्नल बंद है। धार में ईद के मौके पर विशेष वर्ग के सैकड़ों युवकों द्वारा जबरन जुलूस निकालने की बात को लेकर उग्र भीड़ का पुलिस से विवाद हो गया। एकत्रित हुए युवकों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। कवर्धा में घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने ईद मिलादुन्नबी
के मौके पर सामूहिक नमाज और जुलूस की अनुमति नहीं दी थी। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने मदरसे पर झंडे को फहराकर ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया। सरगुजा जिले के उदयपुर में भालुओं के हमले से 40 वर्षीय व्यक्ति के उपचार के दौरान मौत हो गई। व्यक्ति अपने खेतों को देखते हुए जा रहा था, उसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। पन्ना में तालाब के बांध की खुदाई के कई साल पुराना मिट्टी का मटका मिला है। मटके में पुराने धातु के सैकड़ों सिक्के मिले हैं। पुराने सिक्के के मिलने की खबर के बाद एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची। महासमुंद के आरपीएफ थाने में आरक्षक पद पर पदस्थ आलोक कुमार साहू की लाश उनके मकान में फांसी पर लटकी हुई मिली और जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक मूलतः उड़ीसा के हरिहरपुर नयागढ़ का रहने वाला है। इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक युवती और दो युवकों ने फांसी लगाकर जान दे दी। 35 साल का मृतक विपुल मित्तल रतलाम का रहने वाला था। वहीं दूसरा मामला मलारगंज थाना क्षेत्र के बड़ा गणपति का है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांकरा में अपने दोस्त के साथ नहर में नहाने गए एक 13 वर्षीय बालक की तेज पानी के बहाव में बह गया। घटना की जानकारी लगने के बाद अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और बालक की तलाश में जुट गए हैं। बालक की तलाश अभी जारी है। मुरैना के प्रेमनगर इलाके में नकली खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली एक डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को प्रशासन और खाद्य औषधि टीम ने मिलकर अंजाम दिया। डेयरी संचालक डालडा रिफाइंड और केमिकल मिलाकर दूध तैयार कर रहे थे। गुना में नकली खाद मामले में 5 और गिरफ्तार हुए हैं। गुना में पकड़ा गया था नकली डीएपी। अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर की डीआरबी लाइन में पदस्थ थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थानेदार दबंग फिल्म के मेरा अपना करम है गन पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। डांस करते हुए टीआई साहब का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के बीच में स्थित पेंच नेशनल पार्क में का बाघिन अपने शावकों के साथ दिखाई दी। बाघिन को जंगल का रास्ता पार करते समय पांच शावकों के साथ देखा गया, जिसका पर्यटकों ने लुफ्त उठाया। राजगढ़ के देवगढ़ जोड़ वन अभ्यारण्य के पास NH-40 मार्ग पर मगरमच्छ को 20 रोड पर घूमते देखा गया। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे। बस्तर में माईजी को शहर के लोग मन से विदाई देंगे। माईजी अपने धाम दंतेवाड़ा जाएंगी, जहां जगह जगह उन्हें विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ेगा। मंदसौर जिला पूरे प्रदेश में डेंगू का हॉटस्पॉट। मंदसौर जिला पूरे प्रदेश में डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां पर अब तक 1188 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि जिले के सरकारी के साथ ही सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मरीजों से भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू का डंक। गुना में डेंगू के चलते पहली मौत। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। ग्वालियर में मिले 100 से ज्यादा मरीज। उत्तराखंड में कुदरत का कहर। नैनीताल, रामगढ़ के सकुना, जुतिया में फटा बादल। बादल फटने से कई लोगों की मौत। 100 लोगों के फंसे होने की खबर। सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के सर्वे में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। सर्वे में उनको अपने राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मुख्यमंत्री बताया गया है। इस सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में लोगों की नाराजगी अपने विधायकों के प्रति ज्यादा है। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीएम हैं। बघेल से केवल 6% लोग नाराज हैं। ये लोग बदलाव चाहते हैं, इसके विपरीत उन्हें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग मिली है। जशपुर का मास्टरमाइंड सिंगरौली से गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी पिंटू कृष्ण कुमार वैश्य बरगवां से पकड़ा गया है। नशे की तस्करी का चल रहा था रैकेट। कोरिया के महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत झागरखंड में कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे।
कार्यक्रम में राज्य मंत्री और क्षेत्र के विधायक विनय जायसवाल और महापौर कंचन जायसवाल के साथ महेंद्रगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल भी मौजूद थीं। भोपाल में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। यहां लाल परेड मैदान स्थित शहीद स्मारक पर सुबह 8 बजे पुलिस परेड का आयोजन होगा। पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित होने वाली परेड में फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल लाल परेड मैदान पर की गई। राजधानी भोपाल की तरह विभिन्न प्रदेश की विभिन्न पुलिस इकाइयों में भी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। भोपाल के मेडिकल कॉलेज से फोरेंसिक मेडिसिन विभाग से 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर सीएस जैन का रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने के चलते निधन हो गया। मुरैना में चंबल नदी अटार घाट पर 6 घंटे फंसे रहे यात्री राजस्थान से मध्य प्रदेश आ रहे थे सभी यात्री। राजस्थान का स्टीमर बीच चंबल में हो गया खराब। मरवाही वन मंडल के वन परिक क्षेत्र में जंगली जानवरों के लिए बनाया गया था तालाब। वन विभाग द्वारा 1 करोड़ की लागत से तालाब का निर्माण कराया गया था जो बद से बदतर स्थिति में है। रायसेन जिले में आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। आज भी विकास की बाढ़ लोग जो रहे हैं। बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से एक बार फिर से आम आदमी त्रस्त हो गया। टमाटर गोभी 60 रुपए किलो बिक रहे हैं तो वहीं प्याज 30 से 40 रुपए किलो है। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, साथ ही मुस्लिम भाई बहनों को भी मुबारकबाद देता हूं। राष्ट्रपति ने आगे लिखा, आइए हम सब पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख शांति बनाए रखने के लिए कार्य करें। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। लगातार 5वें दिन कोरोना केस की संख्या घट रही है और 8 महीने बाद सबसे कम नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में भारत में 13,058 नए कोविड मामले सामने आए। 19,470 रिकवर हुए और कुछ लोगों की जान गई। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,40,94,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,52,454 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 अक्टूबर तक देश भर में 98,67,69,69,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 12,05,000 टीके लगाए गए। भारतीय आरोग्य अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 59,19,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 9,89,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए। 2 महीने बाद रायपुर में कोरोना के मिले 10 नए मरीज। दूसरी जगह से मिले 4 संक्रमित मरीज। 6 मरीज मोबाइल बंद कर हुए गायब। केरल में 24 घंटे में 6,676 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,023 लोग डिस्चार्ज हुए और 60 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 15 नए मामले सामने आए। इस दौरान 37 लोग डिस्चार्ज हुए और किसी की भी जान नहीं गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 1,485 नए मामले सामने आए। 2,078 लोग ठीक हुए और 27 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 373 नए मामले सामने आए। इस दौरान 543 लोग ठीक हुए और 4 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,119 नए मामले सामने आए। 1,423 लोग ठीक हुए, 13 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे में 214 नए लोग सामने आए। 488 लोग ठीक हुए। WHO की तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके को वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल करने का उपयोग करने पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। महाराष्ट्र को अनलॉक करने की तैयारी। 22 अक्टूबर से खोलेंगे सिनेमाघर। उद्धव सरकार ट्रांसपोर्टरों को देगी आर्थिक मदद।
आयरन केस में शिवसेना मंत्री की सुप्रीम कोर्ट में अपील, कहा एनसीबी बॉलीवुड के चुनिंदा सितारों पर बदले की कार्रवाई कर रही। नैनीताल के रामगढ़ गांव में बादल फट गया है, लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी के अनुसार कुछ घायलों को मौके से बचा लिया गया है। नैनीताल में झील ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गई है, जिसके चलते पानी भवन और घरों में घुस गया है। पिछले 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश होने के चलते नैनीताल की खूबसूरती को पानी में समा लिया है। नैनी झील का पानी पहली बार नैना देवी मंदिर के अंदर तक पहुंच गया। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में हालात पहले से और खराब हो सकते हैं। वहीं केरल में बांध खोले जाने के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। केरल के 10 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियों तालाबों का जलस्तर बढ़ने के कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खतरे को देखते हुए काकी डैम के 2 शटर को खोल दिया गया है। केरल के कोच्चि में बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के बाद इलमालियार बांध के 2 गेट खोले गए हैं। खराब मौसम के कारण इडुक्की के पहाड़ी इलाकों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बद्रीनाथ के लामबगड़ इलाके में बाढ़ के पानी में फंस गई कार से यात्रियों को बचाया गया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टर्म एग्जाम की डेटशीट जारी किया। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और 1 से 22 दिसंबर तक 12वीं के एग्जाम होंगे। टर्म 1 परीक्षा में छात्रों से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। टर्म 2 में दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। ये मोदी का पाठ बंद होने के पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। उनके दिवाली या उसके आसपास उत्तराखंड आने की संभावना है। पीएम मोदी केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दूसरे चरण में 160 करोड़ के कार्य होने हैं। केदारधाम में गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित होनी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर ओवैसी ने ट्वीट किया और विरोध किया। ओवैसी ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 9 बहादुर सिपाही मारे गए। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? इसके अलावा ओवैसी ने कश्मीर में सीज फायर और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। अरुणाचल प्रदेश में चीन को पूरी लद्दाख जैसी हरकत का मौका नहीं देने पर तैयारियां जोरों पर हैं। सेना को तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने के लिए अरुणाचल सेक्टर में 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी KLAC पर सड़क और सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही इसराइल से मिले ड्रोन विमानों और विशेष हेलीकॉप्टरों के जरिए हाईटेक सर्विलांस सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है, जो हर छोटी हरकत की जानकारी तत्काल दे रहा है। भारत और अमेरिका में सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स युद्धाभ्यास 21 अमेरिका के अलास्का के एम्बेडार्फ रिचर्डन सैन्य अड्डे पर शुरू हुआ। यह जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दी। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पहले बता दिया था कि इस अभ्यास का आयोजन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। 19 दिनों के इस अभ्यास में मुख्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत आतंकवाद का सामना करने और इन्हें हराने का प्रशिक्षण दिया जाना है। पेंटागन के अनुसार अभ्यास में अमेरिकी सेना के फर्स्ट स्क्वाड्रन के 300 जवान और भारतीय सेना की 7 मद्रास इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान भाग ले रहे हैं। 14 दिनों के इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान के लिए अभ्यास करेंगे।
लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी फेव इंडिया अपने फेस्टिव कैंपेन को लेकर विवादों में आई है। कंपनी ने दिवाली से पहले जश्न रिवाज नाम से कैंपेन शुरू किया है। इसे लेकर कंपनी ने एक ट्वीट में लिखा है, दिवाली का हम प्यार और प्रकाश के त्यौहार के तौर पर वेलकम करते हैं। कंपनी ने लिखा, फेब इंडिया का जश्न रिवाज एक ऐसा कलेक्शन है जो इंडियन कल्चर की खूबसूरती को दिखाता है। फेब इंडिया के कैंपेन लोगों को खूब पसंद नहीं आया। मणिलाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहनदास पाई ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया, दिवाली का फेब इंडिया का बेहद शर्मनाक बयान है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई।